नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ये वीडियो हम उन लोगों के लिए लेके आए हैं जो स्क्रैप से रिलेटेड बहुत सारा काम करते हैं, और कुछ लोग हैं जो फोर व्हीलर के स्क्रैप से रिलेटेड काम करना चाहते हैं। और वो जैसे इसमें दिख रहा है आपको, बॉडी डंपर, बॉडी मेकिंग या वेल्डिंग, इस तरीके के काम करना चाहते हैं। तो आज हम बताना चाहते हैं कि अगर आप फोर व्हीलर या कमर्शियल ट्रक से रिलेटेड अगर ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें ये बॉडी डंपर मेकिंग और वेल्डिंग और बहुत सारी लेथ माइलिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंटेशन लगता है, तो आज हम लोग एक एग्ज़ाम्पल के साथ दिखा रहे हैं ताकि मान लीजिए आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ में आ जाए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं हर एक चीज़ का प्रैक्टिकली ऐसे किसी कंपनी के एग्ज़ाम्पल के साथ दिखाएँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे ये देखिए, नौसाद ब्रदर एंड इंजीनियरिंग कंपनी है, तो इनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। पहले देखिए ये लोग क्या क्या काम करते हैं। ड्रिल्स इन डंपर बॉडी मेकिंग, यानी जो कमर्शियल व्हीकल होता है जिसका सामान ढोने के लिए, जैसे आपका कोयला हो गया, क्रशर हो गया, मेटल हो गया, ऐसे जहाँ माइनिंग होता है वहाँ पर ऐसी चीज़ें बहुत सारी गाड़ियाँ लगती हैं, तो इनका ये बॉडी मेकिंग का काम करते हैं। प्लस अगर उसमें कुछ ख़राब हो जाए या टूट जाए तो वेल्डिंग का काम करते हैं। प्लस ऑल मैकेनिकल वर्क, लेथ मिलिंग, गुलजा हाउसिंग वर्क, कर्सर मेंटेनेंस वर्क, पोकलेन चेन, ये बहुत सारा इसी फील्ड के से रिलेटेड वर्ड है। और जो इस फील्ड को जानता है वो इसको जानता है कि ये क्या क्या काम होता है। तो देखिए इनके पास क्या क्या लाइसेंस है। इन्होंने अपना फॉर्म बना के रखा है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बना के रखा है। आप भी चाहें तो प्रोप्राइटरशिप बना सकते हैं, पार्टनरशिप बना सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। उसके बाद मान लीजिए इनका GST रजिस्ट्रेशन होगा, एक ऑफिस होगा, प्लस SSI रजिस्ट्रेशन। ये देखिए, ये SSI नंबर होता है, SSI रजिस्ट्रेशन। तो अभी जो है वो SSI रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, अभी जो होता है उद्यम लाइसेंस होता है। यानी अगर आप भी इस तरीके का काम करना चाहते हैं तो आप अपना प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, जो भी आप कंपनी ओपन करना चाहते हैं, एक ऑफिस आपको रखना पड़ेगा, और ऐसा सेट जहां पे काम कीजिएगा वहां जगह आपको रखना पड़ेगा, प्लस आपको करंट अकाउंट, GST का परमिशन, और जो है आपका उद्यम का लाइसेंस। इसके साथ ही अगर आप और भी ज़्यादा अपने तरीके में मतलब लीगल पॉइंट पकड़ना चाहते हैं, तो आप 440 का जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है वो भी कमर्शियल ले कर रख सकते हैं, और फायर का भी लाइसेंस ले कर रख सकते हैं। अगर ये दो चीज़ें आपके पास रहती हैं तो फ्यूचर में स्क्रैप से रिलेटेड या बहुत सारा काम एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, गाड़ी मंगा के भी रिपेयरिंग करके सेल आउट कर सकते हैं। तो ये था कि अगर आप मान लीजिए बॉडी डंपर मेकिंग का काम चालू करना चाहते हैं या गाड़ी से रिलेटेड बॉडी का काम करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या क्या लाइसेंस होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए ताकि आप अपने काम को कर पाएँ। इसके बाद का जो पार्ट है ये तो लाइसेंस का पार्ट है। अब बजट के आपके ऊपर है कि कितना पैसा लगाते हैं, किस तरह का मैन पावर रखते हैं, क्योंकि इसमें अगर बॉडी पार्ट्स का काम कीजिएगा तो आपको लेबर से लेके जो वेल्डर है प्लस डिजाइनर है या कटिंग है, लेथ मशीन है, बहुत सारे आदमी रखने पड़ेंगे। कम से कम 5-6 आदमी तो रखना ही पड़ेगा ताकि आप अपने काम को एक सही तरीके से कर पाइए। बाकी आपके ऊपर है आप किस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। और अगर हमारी कोई हेल्प चाहिए लाइसेंस बनवाने में तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे 9230222490 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपका इस तरह से कोई भी बिजनेस हो जो आप कर रहे हो तो इससे रिलेटेड जो भी लाइसेंस वगैरह का चीज़ हो वो हम आपके लिए करवा के दें और आप अपने काम को सही तरीके से कर पाएँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।